Good morning, class. Today we are going to start with our new chapter, that is random variable and discrete probability distribution. Okay, so इस chapter में as you all know कि बहुत कुछ cut है क्योंकि government ने 30% reduce किया है within the chapter. तो हम फिलहाल वो cut करेंगे, ये भी हम solve करेंगे, हमारा जब portion complete हो जाएगा उसके बाद. तो आपको इस chapter में खाली 2.3 के related questions ही करने हैं, चाहे examples हो चाहे questions हो. कौन से questions होंगे वो हम आपको step by step जब हम questions करेंगे, कौन से है कौन से नहीं है वो हम बता दूंगी उस वक्त ही. ओके, तो आपको इसमें सिर्फ 2.3 ही यहाँ पे सॉल्व करने हैं. तो 2.1 तक के सारे क्वेश्चंस और जो भी एग्जांपल जो भी थियोरी वो आपको फिलहाल के लिए प्रिपेयर नहीं करना है. इट मींस आपको जो स्टार्ट करना है वो है पेज नंबर 80 से स्टार्ट करना है. ओके, तो 80 का पेज नंबर आपका ये क्वेश्चन कौन सा है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो बाइनोमियल क्या होता है उससे पहले हम ये जानेंगे कि बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है. उसका मतलब ये कि हमने सपोज कि बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, हमें पता है कि हमारे आउटकम्स क्या आएंगे, सक्सेस आएगा या तो आएगा फेलियर, ये दो के अलावा तो कुछ नहीं आएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैंने एक नंबर ऑफ टाइम कुछ यहाँ पे मैंने सजेस्ट किया, फाइंड किया कोई थिंग और मेरे को नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे सक्सेस मिला मुझे, मतलब मैं जितने बार ट्रायल की थी यहाँ पे और मुझे नंबर ऑफ टाइम मुझे यहाँ पे क्या मिला था, सक्सेस मिला. तो उससे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, बर्नौली ट्रायल्स. क्लियर है. तो बाइनोमियल क्या होता है कि जो हमें फाइंड करना होता है नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब जो भी है वो फाइंड करना है, जो हमें एक्स फाइंड करना है और किसमें, बर्नौली ट्रायल्स में, वो हमारा क्या होगा, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल. इसके प्रॉपर्टीज आपको रिफर करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए. तो हम डायरेक्टली भी स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन से, बट उससे पहले बेसिक हम थिंग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे वो हमें जो यूज होगा हमारे पूरे इस चैप्टर में. ओके, सो सबसे पहले आपका बर्नौली ट्रायल का फॉर्मूला एक ही आपको यूज करना है. फॉर्मूला आपका जो रहेगा NCxPnQn-x, ये आपका फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है पूरे इस चैप्टर में. सॉरी, आपका एक्स है. ओके, तो यही फॉर्मूला आपका है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का. अगर आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना होगा, पी चाहिए होगा, क्यू चाहिए होगा, एन और एक्स. ठीक है, तो एन आपको कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली क्वेश्चन में दिया जाएगा, एक्स का भी सेम वही, पी और क्यू का मेंशन किया जाएगा. अगर सपोज क्वेश्चन ने बोला है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल वर्ड आया होगा ना कभी भी क्वेश्चन में, तो उस वक्त आपकी पी की और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हाफ, दोनों इक्वल होती है. ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया है कि वो सिमेट्रिक है तो आपका पी और क्यू क्या होगा, हाफ हाफ. क्लियर है आपको. तो ये सब चीजें हम जब सम्स करेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगा. और दूसरी बात, हमने अब तक मीन क्या पढ़ा कि ये हमारा होता है मीन, ये हमारा होता है वेरियंस और ये हमारा होता है स्टैंडर्ड डिविएशन. ठीक है, बट बाइनोमियल पर डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन हम डिनोट करते हैं एनपी से. क्लियर है, आपका वेरियंस हम नोट करेंगे यहाँ पे एनपीक्यू से और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा यहाँ पे, वो होगा अंडर रूट एनपीक्यू. तो जब भी यहाँ पे मीन की बात होगी तो आपको एनपी लेना है, वेरियंस की बात होगी तो आपको एनपीक्यू लेना है और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात होगी तो आपको अंडर रूट एनपीक्यू लेना है. क्लियर है, तो ये कुछ बेसिक थिंग हमें फाइंड करना है. सबसे मेन बात, हमें यहाँ पे क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको क्या मेंशन किया है और क्या फाइंड करना है. तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे हमारे एक्सरसाइज 2.2 से. और 2.2 के जो पहले क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, वो भी आप रिफर करो तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. मैं फिलहाल आपको 2.2 करवा रही हूँ, एग्जाम्पल्स में कोई डाउट है तो बताना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी वो भी. बट फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 से. एक्सरसाइज 2.2, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, फॉर अ सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन इज इक्वल टू 8, फाइंड पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1. ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. हमारा फॉर्मूला क्या होता है फाइंड करने का, एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स क्यू एन माइनस एक्स. ठीक है, ये फॉर्मूला है. हमें यहाँ पे एन चाहिए होता है, एक्स चाहिए, पी और क्यू, ये चारों आ गया, मतलब ये फॉर्मूला, मतलब ये हम सम सॉल्व कर लेंगे इजीली. ओके, तब क्वेश्चन में एन दिया है एन कितना है, वो आपका एन 8 दिया हुआ है. एक्स क्या बोला है, जो आपका एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 1,
मतलब क्या है, जो आपका पी ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू वन, तो वन आएगा, हमें पी ऑफ वन फाइंड करना है और पी ऑफ जीरो फाइंड करना है। मतलब हमें यहाँ पे पी ऑफ जीरो पी ऑफ वन, क्वेश्चन में दिया होता फाइंड करो एक्स लेस देन इक्वल टू फोर, तो आप लेते पी ऑफ जीरो प्लस पी ऑफ वन प्लस पी ऑफ टू प्लस पी ऑफ थ्री प्लस पी ऑफ फोर। ओके, तो आपको ये फोर तक, पर अभी क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, सिर्फ लेस देन इक्वल टू वन, तो आपको जीरो और वन ही फाइंड करना है अलग अलग, तो दोनों को एडअप करना है। कैसे करोगे, देखो आप एक बार लोगे जीरो और एक बार लोगे वन एक्स की वैल्यू, समझ में आया। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है आपको सिमेट्रिकल है ये, सिमेट्रिकल बड़ा आया, मतलब पी और क्यू आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा। ध्यान रखना है अगर आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आपका आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में ही रखना, अगर आपको क्वेश्चन पॉइंट में दिया हुआ है तो आपका आंसर आप पॉइंट में निकाल देना। ओके, अभी देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, पहले हम फाइंड करेंगे पी ऑफ जीरो, हमें दो चीज फाइंड करने बोली है, दोनों को एडअप करना है लास्ट में, पहले हम पी ऑफ जीरो फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा पी ऑफ जीरो हमारा, क्या होगा फॉर्मूला क्या है हमारा, एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ये फॉर्मूला हमारा। ओके, तो पुट करेंगे वैल्यू हम यहाँ पे, अभी तो एन कितना है मेरा, यहाँ पे एन हमारा 8 है, सी एक्स कितना है हमारा, पहले हम जीरो ले रहे हैं तो जीरो लिखेंगे, पी कितना है हमारा हाफ, एक्स कितना है जीरो, क्यू कितना है वो भी आपका हाफ है, एन कितना है, एन आपका है 8 और एक्स कितना है वो आपका है जीरो, पहले हम सिर्फ जीरो को लेके फाइंड कर रहे हैं। ओके, सॉल्व करो, 8 से जीरो आपका वन ही होगा, वन बाई टू पर जीरो तो आपको वन ही लिखोगे आप, वन बाई टू को करना है कितने बार, 8 टाइम, तो जब वन बाई टू मतलब टू को आप 8 टाइम करोगे तो आपका इसका आंसर आएगा 256। क्लियर है, तो ये आपका हो गया 1/256, पी ऑफ जीरो आ गया। अब सेम वैसे हम पी ऑफ वन फाइंड कर लेंगे, तो क्या आएगा फॉर्मूला, वही हमारा क्या है, एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, तो एन कितना है हमारा 8c, यहाँ पे एक्स क्या लेंगे हम 1 लेंगे, पी कितना है हाफ, एक्स कितना लेना है हमें यहाँ पे 1, क्यू कितना है हमारा वो भी हाफ है, तो एन माइनस एक्स मतलब 8 - 1 सॉल्व कर लेंगे, 8c1 है तो आपका ये 8 आ जाएगा, ये आपका है 1/2 वन टाइम तो वन टाइम ही रहेगा वो, ये आपका है 1/2, 8 - 1 कितना होता है 7, तो आपको 2 को 7 टाइम इंटू करना है तो वो आपका हो जाएगा 128। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सॉल्व कर ले इसे आप, या फिर रहन दो उसी फॉर्म में, आपको लास्ट में इंटू करने में इजी हो जाएगा, इन दोनों को इंटू करो, ये आपका हो जाएगा 256। चलो दोनों आंसर मिल गया हमें, एक पी ऑफ वन मिल गया, पी ऑफ जीरो मिल गया, लिखेंगे फॉर्मूला में, पी ऑफ जीरो कितना है हमारा 1/256, पी ऑफ वन कितना है हमारा 8/256, एलसीएम दोनों इक्वल ही है तो एलसीएम वहां पे हमारा नीचे सेम आएगा, 1 + 8 हो जाएगा ये आपका, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया 9/256। आया समझ में किस तरीके से हमने फाइंड किया क्वेश्चन में क्या दिया था और हमने किस वे से फाइंड किया क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, नेक्स्ट में क्या बोला है देखो, मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज पाई, मीन मीन बोला है हमें, पता है ना मीन को क्या बोलते हैं हम, इसमें मीन मतलब एनपी बोला है, एनपी कितना है आपका 5 है, और क्या बोला है, एंड इट वेरियंस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ओके, तो एनपी क्यू मतलब कि वेरियंस आपका क्या होता है एनपी क्यू, वो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग सक्सेस। ओके, तो सक्सेस और फेलियर ये दो आउटकम्स हम निकालते फाइंड करते हमेशा, ठीक है, तो अगर आपको जो भी फाइंड करने वाला दिया होगा हम हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको जो दिया है वो सक्सेस वाला है कि फेलियर वाला है, हमें जो फाइंड करने बोला होता है ना वो हमेशा हमारा पी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है फाइंड आपको जो वेरियंस है वो इक्वल टू सक्सेस है, तो मतलब सक्सेस मतलब क्या है हमारा पी है ना, तो ये पी हमें दिया हुआ है। आगे क्या लिखा है देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग नन ऑफ द फेलियर फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन, आप ये फाइंड करो कि कोई यहाँ पे फेलियर मतलब पूरे के पूरे सक्सेस हुए, कुछ फेलियर ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला बाद में, पहले हम पी और क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हम इसके जरिए फाइंड करेंगे पहले वैल्यू क्यू की, कैसे होगा देखो हमारा क्या है, एन पी इज इक्वल टू 5 है ना, तो हमारे पास क्या है
ये एन पी क्यू इज इक्वल टू पी, मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पे एन पी के दे के रखा है वैल्यू, दिया है ना ये वैल्यू हमें एन पी इज इक्वल टू 5। तो हमें एन पी की जगह क्या लिखूंगी, 5 लिख सकते हम, तो क्या आएगा 5 क्यू इज इक्वल टू पी। अब आगे सॉल्व कैसे होगा ये, अभी इसको स्प्लिट कर सकते हम, क्योंकि हमें पता है कि पी और क्यू जब हम ऐड करते हैं वैल्यू तो उसकी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर आपको पी फाइंड करना है फॉर्मूला क्या है उसका, 1 माइनस क्यू। अगर क्यू फाइंड करना है फॉर्मूला क्या है उसका, 1 माइनस पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू को स्प्लिट कर लेंगे हम, क्यू का फॉर्मूला क्या है, 1 1 माइनस पी इज इक्वल टू पी। ओके ना, नेक्स्ट इसको ओपन करो ब्रैकेट, इंटू हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 5 माइनस 5 पी इज इक्वल टू पी। अभी लाइक टर्म्स ले लेंगे हम, 5 यहीं रहेगा, वहां जाके क्या हो जाएगा वो +5 पी हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू 6 पी हो गया। तो 5/6 पी की आ गई वैल्यू हमारे पास। अभी हम क्यू फाइंड कर सकते हैं इससे, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 5/6 इसका एलसीएम लोगे आप तो नीचे 6 ही आएगा, ये हो जाएगा इंटू 6, तो 6 माइनस 5, तो आपका इसका आंसर आया 1/6। क्यू आ गया, पी आ गया, अब हम एन भी फाइंड कर सकते हैं इसके जरिए। ओके, तो हमारा एन पी इज इक्वल टू कितना है वो, 5 है। हमें एन भी फाइंड करना है, कॉज हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, एन एक्स पी और क्यू, ये दो फाइंड हो गया हमारा। ठीक है, पहले हम एन फाइंड करेंगे, तो एन हमारा क्या होगा, ये पी का वैल्यू पास है, कितना है पी का वैल्यू हमारा, 5/6 इज इक्वल टू 5। सो एन वहां रहे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 6 ऊपर 5 नीचे, तो ये हो गया आपका एन क्या बचा, 6। आया समझ में कैसे फाइंड किया हमने। अभी हमारा एन आ गया, चलो एन भी आ गया, एक्स बाकी है। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, देखो क्या बोला है, क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग नन ऑफ द फेलियर फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। एक भी फेलियर फाइंड नहीं हुआ है, एक भी फेलियर नहीं होना चाहिए, मतलब कि पूरा का पूरा सक्सेस। हमने कितना ट्रायल किया है यहाँ पे, हमने 6 ट्रायल किया है ना। हमारा एन कितना यहाँ पे आया, 6 आया ना, इसका मतलब हमने जो 6 यहाँ पे ट्राई किया पूरा का पूरा सक्सेस हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया कि दिया हुआ है आपको, नॉट गेटिंग फेलियर, मतलब पूरे के पूरे क्या वहां पे हुए, सक्सेस हुए। तो आपका एक्स क्या हो जाएगा, 6। तो हमें ये मिल गया, अब फॉर्मूला पुट हो जाएगा हमारा एन सी एक्स वाला। हमारे पास एन है 6, एक्स भी हमारा 6 है, पी भी हमारा यहाँ पे क्या दिया है, पी हमारा कितना आया था अभी, 5/6, और क्यू है हमारा 1/6। तो आगे फॉर्मूला के सॉल्व करना है आपका, आ जाएगा आंसर। ओके, इसी फॉर्मूला में पुट करना है आपको एन सी एक्स वाला फॉर्मूला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली आपको इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए, बाकी सम्स इजी है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, देखो, अ पर्सन हैज केप्ट 4 कार टू रन ऑन रेंट, द प्रोबेबिलिटी डेट एनी कार इज रेंटेड ड्यूरिंग द डे इज 0.6, फाइंड प्रोबेबिलिटी डेट मोर देन 1 बट लेस देन 4 कार आर रेंटेड ड्यूरिंग अ डे। मतलब क्या बोला गया, एक पर्सन ने 4 कार दी है रेंट पे, तो हमें एन तो मालूम पड़ गया कितना है, एन इसके अंदर एन कितना है, 4। ठीक है, और क्या बोला है कि फाइंड यहाँ पे दिया है आपको 0.6। अब 0.6 क्या है, क्या बोला है, रेंटेड ड्यूरिंग अ डे, तो लिखेंगे इसको हम रेंटेड ड्यूरिंग अ डे। अभी ये आपका पी है कि क्यू है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा, मालूम पड़ेगा हमें फाइंड से। अगर फाइंड में ये सेम चीज बोली होगी तो मतलब ये आपका पी होगा, अगर इसकी अपोजिट चीज बोली होगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू होगा। ठीक है, तो क्या बोला, देखो आगे फाइंड में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट मोर देन 1, मतलब आपको फाइंड करना है क्या कि वो 1 से ज्यादा है, और एंड बट लेस देन 4, बट 4 से वो कम है, आपको ये फाइंड करना है। मतलब 1 से ज्यादा और 4 से कम, क्या कार आर रेंटेड ड्यूरिंग अ डे। फाइंड में क्या बोला है, रेंटेड ड्यूरिंग अ डे, मतलब ये आपको जो ऊपर वैल्यू दी है वो किसकी है, पी की है। समझ में आया, पी कैसे मालूम पड़ा, ये पी कैसे है, जो फाइंड में दिया होगा वो आपका होता है पी। ठीक है,
तो यहाँ पे फाइंड का यहाँ पे क्या जो वैल्यू ऊपर आपका पी का हो गया सेम है, तो अभी फाइंड क्या करना है आपका, एक्स क्या होगा, वन नहीं लेके कॉज यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो मतलब टू पी ऑफ टू फाइंड करना है और पी ऑफ थ्री फाइंड करना है, फोर हम नहीं लेंगे कॉज यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं है, तो इन शॉर्ट हमें पी ऑफ टू और पी ऑफ थ्री फाइंड करना है। तो हमारे वैल्यू है एन है हमारा फोर, पी है हमारा यहाँ पे यहाँ सॉरी पी हमें दे के रखा है 0.6, तो इसके हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे क्यू भी। फॉर्मूला क्या है क्यू का, 1 माइनस पी मतलब 1 माइनस 0.6, वो हमारा हो जाएगा 0.4। तो एन है पी है क्यू है, एक्स भी है हमारे पास, टू और थ्री फाइंड करना है एक्स, खाली फॉर्मूला पुट करना है आपको, एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ये फॉर्मूला पुट करोगे एक बार टू और एक बार थ्री दोनों का जो आंसर आएगा एड अप करोगे वो होगा आपका फाइनल आंसर। आया समझ में किस फेज क्वेश्चन करना है ये? ओके तो आपको ये भी यहाँ तक कंप्लीट करो, आपका फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 0.6912। मैं कैलकुलेशन शो नहीं कर रही हूँ फिलहाल, आपको खुद से ही ये काम सॉल्व करना है। अगर मिस्टेक हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने की कोई कहीं पे भी, तो मुझे आप पूछो, आपको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखो, देर आर 200 फार्म्स इन अ तालुका, अमंग द बोरवेल मेड इन दिस 200 फार्म ऑफ तालुका सॉल्टेड वाटर इज फाउंड इन 20 फार्म, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर इन 3 आउट ऑफ 4 रेंडमली सिलेक्टेड फार्म फ्रॉम द तालुका। क्या बोला है, टोटल 200 तालुका है, 200 फार्म्स है एक तालुका में। ओके तो 200 फार्म है एक तालुका में, उसमें क्या बोला है कि 20 को क्या मिलता है, 20 यहाँ पे जो फार्म से उनको मिलता है सॉल्टेड वाटर। ओके तो बाकी कितने बचे है, कितने 200, तो 20 को मिलते हैं सॉल्टेड वाटर, मतलब बाकी कितने बचे 180 को मिलते हैं नॉट नॉन सॉल्टेड वाटर। आया समझ में? ओके तो हमारा अभी यहाँ पे एक पी होगा एक क्यू होगा, पर क्या है पी क्या है क्यू वो मालूम पड़ेगा हमें फाइंड से। कैसे, अभी देखो क्या करना है, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 20 आउट ऑफ 200, 200 फार्म में से 20 को मिलते हैं सॉल्टेड वाटर, इसका क्या बनेगा इक्वेशन, 180 फार्म है पूरे 200 में जिसको मिलता है यहाँ पे नॉन सॉल्टेड वाटर, ठीक है। बट फाइंड क्या करना है देखो, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर, नॉट गेटिंग की बात हुई है तो नॉट गेटिंग वाला ये वाला पार्ट है, नॉट गेटिंग वाला, तो मतलब ये आपका है पी, तो ये आपका हो जाएगा क्यू, मतलब पी कितना है आपका यहाँ पे है पी 180 अपॉन 200, रिड्यूस करो इसको आप तो ये कटेगा, सॉरी ये वन कटा, 10 जा 9 जा आपका आया 9/10, क्यू आपका कितना यहाँ पे वो है 20 अपॉन 200, सॉरी तो ये आपका हो जाएगा 2 1 जा और 10 जा, तो आपका हो गया 1/10, पी मिल गया क्यू मिल गया। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, आगे फाइंड करना है 3 आउट ऑफ 5 रैंडम सिलेक्टेड, मतलब कि 5 में से हमको यहाँ पे 3 में मिला है नॉट गेटिंग अ सॉल्टेड वाटर, तो एक्स कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा 5, बाकी फॉर्मूला पुट करना है आपको, पी है हमारे पास क्यू मिल गया, एक्स है 3 एन है 5, फॉर्मूला पुट करो फाइंड करो आंसर। आया समझ में? हम यहाँ पे पी और क्यू कैसे लेते हैं उस पर ध्यान देना। ओके नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे हम, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, अ एग्जाम्पल इज टू बी गिवन टू 6 स्टूडेंट टू सॉल्व। ओके तो कितने को दिया गया है, हमें एन डायरेक्टली देके रखा है ऊपर, कितना है वो 6 को दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, आपको फाइंड करना है करेक्ट सॉल्यूशन। ओके सो यहाँ पे जो करेक्ट सॉल्यूशन है मिला है बच्चों को उसकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है वो है 0.6 है, तो ये पी है क्यू है मालूम पड़ेगा लास्ट में हमें। तो क्या बोला है, ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ करेक्ट सॉल्यूशन, क्या फाइंड करने बोला है करेक्ट सॉल्यूशन जो कि हमारा 0.6 है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, जब हमारा पी 0.6 है तो क्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस पी मतलब 1 माइनस 0.6 0.4, पी मिल गया क्यू मिल गया एन है, क्या पूछा है 2 आउट ऑफ 6 स्टूडेंट, मतलब 6 में से आपको 2 का फाइंड करना है, मतलब आपको एक्स जो है वो 2 का फाइंड करना है, एन है पी है क्यू है एक्स है, चारों वैल्यू हमारे पास आ गई, बस आपको पुट करना है वैल्यू फॉर्मूला में इसके और फाइंड करना है इसका लास्ट का आंसर।
आई बात समझ में? इस क्वेश्चन में खाली आपको इक्वेशन ही फॉर्म करना था, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है कि पी का है क्या दिया हुआ है, क्यू क्या दिया हुआ है, इसके अंदर किस वे से सॉल्व करना है। फॉर्मूला तो एक ही यूज करना है क्योंकि बाकी जो फॉर्मूला कट हो चुके हैं आपके पहले, जो हम करेंगे आफ्टर द पोर्शन, बट फिलहाल आपको यहाँ तक प्रैक्टिस करनी। इसके पहले के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करो, हम नेक्स्ट क्लास में इसके सेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। ओके, यहाँ तक कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है सॉल्विंग में या समझने में, देन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।